हेलो नमस्कार, ये छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं ये वीडियो को दिखावटी के लिए नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ या अच्छा गायक हूँ, अच्छा भाषण देने वाला हूँ, लेकिन मेरा मन में जो चल रहा है कई दिनों से, कई सालों से, वो बात आज अब लोगों से प्रस्तुत करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। और अब ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप क्या आपका राय विचार क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हो सके तो आप शेयर भी कीजिए, ताकि क्या पता जरूरी मन जरूरी व्यक्ति के पास पहुंचे और वो आशीष मिले। क्योंकि आज कल हमारे देश में, भारत में जो चल रहा है दंगा, कहीं दंगा चल रहा है, लेकिन इनमें से मैं एक चीज को लेना चाहता हूं, धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। इस विषय पर मैं कई बात या कई दिनों से सोच रहा हूं, क्यों हो रहा है। जब यही सोचता हूं तो एक बात मेरे मन में आते हैं, और मेरा बाइबल के ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है या मजबूर हो रहा है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु, ये नहीं कहूंगा कहां लिखा है, कहां है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं तो आप खुद बाइबल खोल के आप पढ़े। जो मसीह या ईसा को सताने वालों, मेरे प्रिय भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं, आप ये नफरत कर रहे हैं, ये आप नफरत नहीं कर रहे हो कि आप बाइबल पालन कर रहे हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा दिन आएंगे अंतिम दिनों में लोग तुम्हें सताए जाएंगे मेरे नाम पर। अगर आप लोग ये नहीं करता तो बाइबल सत्य नहीं होती। और ये सोचते, ये हादसा को कहूं या ये परिस्थिति कहूं, जो भी है, ये मेरा विश्वास बाइबल के ऊपर और मजबूत होते जा रहे। इसलिए आपको अब सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक धन्य है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला, और कई लोग हमारे देश में लोग ये कहता है, इस ये सोच के और कहे के ईसाओं को नष्ट करने का या विरोध कर रहा है या नफरत कर रहा है, उसके कारण एक है कि जबरदस्त परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मैं अब उसे कहना चाहता हूं, ये ईसाओं से बढ़कर दूसरा धर्म ने अत्याचार करके और जबरदस्त कर रहा है, लेकिन हमारा विश्वास, बाइबल के विश्वास से, प्यार से, जो हम कहना है कहते हैं, लेकिन विश्वास करना, मानना ना मानना, कहना हमारा और मानना ना मानना उस व्यक्ति के ऊपर है। और एक दूसरा, लोग कहता है कि ईसाई धर्म ने हमारे देश के संस्कृति को बदला या परिवर्तन किए। इस बात को मैं साबित करना चाहता हूं कि हाँ, कि हमारा ईसाई धर्म ने हमारे देश की संस्कृति को कैसा परिवर्तन किया है। कई बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक या दो विषय को कहना चाहता हूं। एक, हमारा देश का संस्कृति क्या था 1800 साल पहले। अगर एक पुरुष, एक मर जाता है तो उसका विधवा औरत को जिंदा जलाया जाता है। और कुछ औरत ऐसा अंधविश्वास में होते हैं कि वो अपने आप को समर्पण करके ले, और लेकिन अधिक तरह जबरदस्त से उसका पति का चिता के साथ जलाई जाती है। अगर वो आज तक चला होता, हमारा बहन, दीदी, बुआ या मौसा, मौसी, कितना बहनों को जलाई जाएगी। लेकिन 1800 साल में एक
ईसाई मिशनरी आकर उसको विरोध किया, कहा कि ये बाइबल का खिलाफ है। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारा राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद जैसे शिक्षित लोग ने उस बाइबल के सिद्धांत को समर्थन करके, उस मिशनरी को समर्थन करके, इसको विरोध करके वो रोका। इस वजह से आज तक वो साथी का नाम हमने हमारा संविधान से मिट चुके हैं। इसलिए हमारा बहनों को और दीदियों को और महिलाओं को एक मान सम्मान भी मिलती है। और उसके साथ साथ जो पंडिता रामा भाई मुक्ति मिशन जो पुणे में अभी चल रहा है, विधवा को वो बाइबल का सिद्धांत लेकर विधवाओं को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये क्या ये ईसाई धर्म या बाइबल का सिद्धांत ने इस परिवर्तन की है, क्या ये गलत है या सही है, आप निर्णय लीजिए। एक दो, और 1800 साल में हमारे देश में पढ़ाई के क्षेत्र में सिर्फ ब्राह्मण या पंडित लोगों को मौका दिया जाता, दलित लोगों को बिल्कुल नीचे जा कहकर उसको पढ़ने बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ईसाई मिशनरियों आकर प्रभु का प्यार को लेकर लोगों को ऊंची या नीची जात, पुरुष या महिला ना देखते हुए, बड़े या छोटे को ना देखते हुए एक इंसानियत, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में सृष्टि किया है, उसी द्वारा उसी सिद्धांत को लेकर गांव गांव में, चाहे पहाड़ हो या कहीं जंगली हो, वहां जाकर और प्रभु का वचन को लेकर लोगों को शिक्षा दिया, स्कूल खोली, और उसी वजह से और हमारे देश चाहे पुरुष या महिला, छोटे या बड़ा, या काला हो या गोरा, किसी रंग रूप ना देखे सभी को सीखने का पढ़ने का मौका देकर हमारे देश को आगे बढ़ाया। आज हमारे देश में सबसे बड़ा और अच्छा इंस्टीट्यूट ईसाइयों का है, और इसी वजह से हमारा देश को आगे बढ़ रहा है, और जो नीची और ऊंची जात को रोके और हमारे ईसाई धर्म ने परिवर्तन किए हैं, बदला है, क्या ये गलत है या सही। और कई बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आज इसी यहाँ पे यही पे समाप्त करना चाहता हूं। आप सोचे, निर्णय ले। मैं विश्वास करता हूं हमारे देश, भारत देश लोग सिर्फ एक बात को सुन के करने वाला नहीं, लेकिन पहले सोचते हैं और ये गलत है सही, क्योंकि हमारे पूर्व वचनों हमारे देश का जो सोचने वाले, इसलिए हमारा गणित क्षेत्र में, मैथमेटिक क्षेत्र में जो शून्य या जीरो लाने वाला हमारे देश है के लोग हैं, क्योंकि वो सोचने वाले थे। तो इसलिए अब ये बात सोचे जो अब कर रहा है या गलत है या सही। दूसरों को नोचना और दूसरों को मारपीट करना, खून खराब भी करना, जोर जबरदस्त करना, ये गलत है या सही, अब के पास दिमाग है, सोचने का शक्ति है, सोचने का सामर्थ्य है, आप सोचे और निर्णय ले। धन्यवाद। और इसके साथ प्रभु का महिमा के लिए और उसका मरने का और उसने कुर्बान किया और जी उठने का विषय के ऊपर हम एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिंदा है मसीहा, जिंदा है मसीहा, जिंदा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़ कर मेरा मसीह जी उठा है, उठा है मसीहा, उठा है मसीहा।
का दूसरा नाम शांति का राज कुमार आपका जिंदगी में राज्य करे और आपके जिंदगी में शांति और आपका जिंदगी और परिवार के जिंदगी में शांति सुख और खुशी में भर दे। धन्यवाद।